नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। मुख्तार अंसारी काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है जेल में, क्योंकि वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो रोपड़ जेल में मिल रही थी। इसीलिए मुख्तार अंसारी को जेल में घबराहट हो रही थी और उन्होंने जेलर जो जेल के बाहर खड़े थे उन लोगों से मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमें जेल से बाहर निकाल दो। यानी कि सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड हुई सारी हलचले, पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो वीडियो देखकर खुद योगी आदित्यनाथ भी हैरान हो गए कि आखिरकार मुख्तार अंसारी इतना परेशान क्यों हो गया, क्योंकि वो तो कई सालों से जेल में रह रहा है, तो उसे दिक्कत परेशानी जेल में क्यों होने लगी, क्या वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन कैदी को सुविधाएं नहीं बल्कि सजा दी जाती है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के राज में शायद कैदियों को आराम दिया जाता है, कैदियों को वो सुख सुविधाएं दी जाती हैं जो इंसान आम जीवन में अपनी मेहनत कामयाबी की राह पे चलकर सुख सुविधाएं नहीं पाता। वो कैदी कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार में चला जाए, कांग्रेस की जहाँ पे सरकार हो उस राज्य में चला जाए, तो वहाँ पर खाने पीने रहने की जेल में ही 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलने लगती है। इसीलिए मुख्तार अंसारी रात भर बांदा जेल में सो नहीं पाया है। हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, देखिए किस तरह से मुख्तार अंसारी टहलता, कभी फर्श पे लेटता है तो कभी खड़ा होकर जेलर से कहता है कि हमें बाहर निकालो, हमें घुटन सी हो रही है, हमारी सांस फूल रही है, क्योंकि वहां पर वो जेल है, कांग्रेस की जेल नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की जेल है, ये अमरिंदर सिंह की जेल नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की जेल है, जहां पर कैदियों को सही सजा दी जाती है, जहां पर अपराधियों को सही सजा दी जाती है। मुख्तार अंसारी शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि उसी बैरक नंबर 15 में वो रह भी चुके हैं और जानते हैं कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ या फिर यूपी की कोई भी सरकार हो उन्हें किस तरह से रखेगी उत्तर प्रदेश में, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने पंजाब में जाकर शरण ली है। लेकिन शायद मुख्तार अंसारी के साथ साथ अमरिंदर सिंह को भी नींद नहीं आ रही होगी, शायद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनका भाईजान जेल में तड़प रहा है, भीख मांग रहा, अपनी जान की भीख मांग रहा मुख्तार अंसारी। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरह से मुख्तार अंसारी चीखता चिल्लाता बेहाल हो गया है, क्योंकि अब तो बीमारी का नाटक तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि रास्ते में 15-14 घंटे के सफर में यूपी पुलिस ने ऐसा इलाज कर दिया है कि मुख्तार अंसारी सही हो गए। 9-10 से ज्यादा गंभीर बीमारियां बताई गई थी, लेकिन शर्म आती हमें अमरिंदर सरकार से, शर्म आती कांग्रेस पार्टी से कि उन्होंने कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने न्यायपालिका की आंखों में धूल झोंका है, न्यायपालिका की मर्यादाओं को तार तार कर दिया इसी कांग्रेस पार्टी ने। मुख्तार अंसारी को, एक अपराधी को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़ा हो गया है। कैसा स्वास्थ्य विभाग है पंजाब का जो फर्जी रिपोर्ट बना देता है, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी जाती है, यानी कि न्यायपालिका की आंखों में धूल झोंका जाता है। और ऐसा क्या कि उत्तर प्रदेश आते ही सारी एलर्जी खत्म हो गई, चर्म रोग बताया गया था, चर्म रोग एक ऐसा रोग है जो इतनी जल्दी जाता ही नहीं है, सीजन ब सीजन वो चर्म रोग आता ही रहता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ 15 घंटे के रास्ते में कि सारा चर्म रोग गायब हो गया, जो सांस फूल रही थी, जो बीपी गड़बड़ रही थी, वो बीपी भी मेंटेन हो गई। रोपड़ से व्हीलचेयर पर चला इंसान, बैठकर चला इंसान, उत्तर प्रदेश आते ही दौड़ने लगा, ये है योगी आदित्यनाथ का पराक्रम। लेकिन क्या सचमुच मुख्तार अंसारी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, क्या सचमुच मुख्तार अंसारी को उस जेल में घुटन हो रही है, क्या सचमुच मुख्तार अंसारी फर्श पर लेट रहा था, पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाऊंगा। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में राय लिखिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मुख्तार अंसारी एक अपराधी है, इसके प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके भाई अफजाल अंसारी ने खुद लाइव शो में ये बात कही है, अंजना ओम कश्यप से ये बात खुद उन्होंने कही है कि मुख्तार अंसारी ने तीन घिनौने काम किए हैं। अपराधी होता है, चाहे एक गलत काम करे, चाहे 1000 गलत काम करे, न्यायपालिका की नज़र में अपराधी माना जाता है, और अपराधी को कैसी सजा दी जाती है शायद आपको पता होगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई ली और वहीं पर कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लेकर आज मुख्तार अंसारी को यूपी लाया गया।
लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्तार अंसारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं। रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही है और रात भर वो बेचैन रहते हैं। जेल से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं ताकि वो खुले आसमान में रह सके। आखिरकार वो इंसान जेल में कैसे रह सकता हो जिसके नाम पर तो यह हो कि इंसान वो जेल में रहता है, सजा काट रहा, लेकिन वो गाड़ियों पर बैठकर बाहर घूमे। कल हमने आपको दिखाई थी 82 किलोमीटर एम्बुलेंस चली थी, 82 हज़ार किलोमीटर एम्बुलेंस कहाँ चली? ये मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस है, इसी मुख्तार अंसारी आते जाते थे, तो 82 हज़ार किलोमीटर एम्बुलेंस कहाँ चली? सबसे बड़ा सवाल यही था। मुख्तार अंसारी सिर्फ जेल मात्र नाम के थे, यानी कि सिर्फ वो अपराधी नाम मात्र के थे वहाँ पे। वो एम्बुलेंस में घूमने बाहर जाते थे, अस्पताल के नाम पर वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते थे और यही अमरिंदर सरकार उन्हें घुमाती थी। तो वही आदत पड़ी हुई है मुख्तार अंसारी की, जेल में रहने की आदत तो है नहीं क्योंकि वो जेल में रहे नहीं है। 2 साल भले ही वो पंजाब में रहे हों 24 महीने, लेकिन जेल में नहीं रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र का जेल था। बाकी वो एक समझो कि 5 स्टार होटल में रहते थे, VIP होटल में रहते थे, घूमने टहलने जाते थे। इसीलिए मुख्तार अंसारी को बेचैनी हो रही है, मुख्तार अंसारी तड़प रहा जेल में। आज उसे पता चला कि अपराध करने का मतलब क्या होता है, जेल का मतलब क्या होता है, मुख्तार अंसारी को आज पता चला है। इसकी बौखलाहट ही सब कुछ बयां कर रही है कि जेल की सज़ा क्या होती है, जेल के नियम कानून क्या होते हैं और संविधान क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है और अपराधियों को सज़ा क्या होती है, मुख्तार अंसारी को आज पता चला है। इसके पहले तो उसका नाम, फेमस, पैसा, इज्जत, शोहरत सब उसने कमा रखी है और बड़ी बड़ी पार्टियां उसी के नाम पर राजनीति भी करती थी, लेकिन अब वो योगी के शासन में आ चुका है, योगी के कब्जे में आ चुका है। बस डर इसी बात का है कि वो बौखलाया हुआ है, वो डरा हुआ है, उसे रात में नींदें नहीं आ रही, इसलिए भी योगी आदित्यनाथ को नींद की इंजेक्शन भी लगवाने पड़ेंगे इसको सोने के लिए। अगर नहीं सोएगा तो शायद बीमार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल रिपोर्ट, सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों ने ये जब बता दिया, बांदा के मेडिकल डॉक्टरों ने ये जब बता दिया कि मुख्तार अंसारी को कोई बीमारी नहीं है, तब से मुख्तार अंसारी बीमार होने का नाटक भी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बीमारी का नाटक करेगा तो शायद जेल से बाहर हवा भी उसे नसीब हो सके, कहा जा सकता है। वैसे सारी सुविधाएं जेल में रखी गई हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।